ट्राइबर फाउंडेशन वाले में बंडी दिए हैं, इसलिए अल्लाह उनको अच्छा रखो, अब आमदनी का जरिया बढ़ जाएगा मेरा इंशाल्लाह। सफा बतुल माल में अप्लाई करी थी बंडी के लिए, आके इंक्वायरी करके दिए लगा, बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोगों का। मैं हैंडीकैप हूँ, मैं बोला था ट्राइबर फाउंडेशन ने ये मेरे को डाल के दिए बंडी, अल्लाह उनको सेहत दो। आपकी मेहरबानी भाई, आप दिए सो बहुत नेक, गरीब लोगों की मदद करें, दुआ आपको बहुत बहुत दुआ हमारी। बंडी थी हमारे पास, टूटी बंडी थी, अब नई बंडी दी, सब लोग हमको तरकारी भी दिए, वो दिए, अल्लाह अच्छा रखो लोगों। ड्राइवर फाउंडेशन वाले बंडी दिए, अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह काम करे, हर मुसीबत करे, अल्लाह दुआ हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बंदागुड़ा मेराज फंक्शन हॉल के अंदर रहबर फाउंडेशन की जानिब से तकरीबन 75 बंडियाँ, जिसके अंदर फ्रूट्स, तरकारी और प्याज वगैरह के अशिया से मतलब भरपूर बंडियों की आज तकसीम अमल में आई। और इसके अलावा इससे पहले भी जो है हैदराबाद के अंदर तकरीबन 500 बंडियाँ अब तक तकसीम की गए। इसके अलावा अजला के अंदर जैसे बीदर, हुमनाबाद, सदाशिवपेट, संगारेड्डी, जहराबाद, बीदर वगैरह के इलाके में भी क्या है बंडियों की तकसीम अमल में आई। तो इसका देने का मकसद यही है कि लॉकडाउन के बाद में काफ़ी लोग जो तजारत करते थे मुतासिर हुए, और बंडियाँ वगैरह जिसके पास थे वो बेच लिए, यानी तो किसी के पास मजदूरी कर रहे थे, तो उनके पास तजारत का तजुर्बा होने के बावजूद भी बंडी के बगैर ना क्या है कि इसमें आमदनी का ज़रिया जो है जितना होना उनकी गुजर बसर के लिए उतना नहीं कमा रहे थे। तो वही नज़र में रख के ऐसे लोग जो बंडियाँ नहीं हैं, किराए पे जाके काम कर रहे या किसी के पास मजदूरी में काम कर रहे, उन लोगों की निशानदेही करके ये बंडियाँ जो है उनके हवाले की जाती है, ताकि उनके माशी हालात ठीक हो और उनके गुजर बसर में खुशहाली आए, ये मकसद है। और इसके अंदर हर तबके के लोगों के है, मतलब कोई कास्ट क्रीड वगैरह मतलब देख के नहीं, खाली मुसलमानों को बोल के नहीं, कोई हिंदू भाई भी है इसके अंदर, और मर्द और ख़वातीन का भी डिफरेंस नहीं कर रहे हम लोग। कई जगह जो है ख़वातीन को भी बंडियाँ दी गई, ताकि उनका भी मतलब मसला हल हो, क्योंकि कई विडोज़ है, कमाने वाले कोई नहीं है। तो उस सिलसिले उस सूरत में क्या है हम लोग लेडीज़ को भी बंडियाँ और उनके कारोबार लगा के दिए। सो है इसके अलावा जो है जो ख़वातीन सिलाई कर सकते हैं तो घर बैठे, कोई मतलब बाहर नहीं निकल सकते कारोबार करने के लिए, तो ऐसे लोगों को क्या कर रहे हैं हम लोग, सिलाई मशीन्स वगैरह भी तकसीम कर रहे हैं। तकरीबन हैदराबाद के अंदर तकरीबन 600 सिलाई मशीन दे दी हम लोग, इससे पहले संतोष नगर में दिए, फिर उसके बाद में टोली चौकी में दिए। तो इस तरह से जो है समाज के अंदर जितने भी लोग कारोबार करना चाह रहे हैं मगर ज़रिया आमदनी के लिए कोई पैसा नहीं होने की वजह से नहीं कर सक रहे, तो ऐसे लोगों को क्या है कारोबार लगा के दे रहे, क्या कि किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। और इसमें क्या होता है मतलब लोग इंटरेस्ट पे पैसा लेके बहरहाल कई मसाइल में फंस जा रहे, तो इससे क्या होता है अब डेली अपना खुद का कारोबार होता है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा काम करें तो ज़्यादा आमदनी बढ़ती है। रिव्यू होना है तो ये जितना भी मतलब बंडियाँ सिलाई मशीन वगैरह तकसीम की जा रही है वो सफ़ा बैतुल माल की जानिब से उनकी मदद से की जा रही है, क्योंकि पूरा सर्वे करने का जो जिम्मेदारी है वो सफ़ा बैतुल माल की है। तो सफ़ा बैतुल माल वालों के पास जाके अपना नाम वगैरह लिखा दिए, क्योंकि ये हर प्रोग्राम को क्या है एक महीना डेढ़ महीने का टाइम तो लगता हो, तो सर्वे करके इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा उन लोगों को बुला के ये दे देंगे हम लोग इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जहांगीर, 9 नंबर जलाल बहादुर का, 5-6 साल से करता हूँ साहब, अल्लाह अच्छा रखा आपको, मेहरबानी होती साहब। मैं सफ़ा बतुल माल में अप्लाई करी थी बंडी के लिए, आके इंक्वायरी करके दिए लगा, बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोगों का। अभी दुकान घर के सामने रख लेके इंशाल्लाह कारोबार कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू,
ये मैं फर्स्ट टाइम है, मेरा मैं हैंडीकैप हूँ। मैं बोला था रहबर फाउंडेशन है, ये मेरे को डाल के दिए मंडी, अल्लाह उनको सेहत दो। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं समोसों का कारोबार करता था, अब वो काम कम हो गया बोल के बंडी दिए मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कराऊँ, अल्लाह कामयाबी दे, इनके लिए भी दुआ करूँगा इंशाल्लाह। रहबर फाउंडेशन वाले बंडी दिए, मैं कारोबार करूँगा इंशाल्लाह। आपकी मेहरबानी भाई, बहुत शुक्र अदा है आपके, मेहरबानी नेक गरीब लोगों की मदद करें, दुआ आपको बहुत बहुत दुआ हमारी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ये रेवर फंडेशन की तरफ से भाई बंडी मिली है मांगू, मैं ये कारोबार 3-4 साल से करता हूँ, तरकारी का कारोबार, अल्लाह अच्छा रखे लोगों को, हम बहुत दिन से परेशान थे, बंडी थी हमारे पास टूटी बंडी थी, अब नई बंडी दी, सब लोग मांगू तरकारी भी दिए वो दिए, अल्लाह अच्छा रखे लोगों को। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये मैं 12 साल से कारोबार करता हूँ, मेरे बंडी नहीं थी, रेवर फाउंडेशन वाले मेरे बंडी दिए, इसलिए अल्लाह उनको अच्छा रखो, अब आमदनी का ज़रिया बढ़ जाएगा मेरा इंशाल्लाह।